राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी दौरान आज जबलपुर की मझोली में 700 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। 45 दिनों तक होने वाली इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेसी गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। यात्रा की शुरुआत मझोली में गांधी चौपाल लगाकर और रघुपति राघव राजा राम के भजन के साथ हुई। यह यात्रा पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी द्वारा पाटन विधानसभा में आयोजित की जा रही है, जिसकी शुरुआत करने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सहित जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह, दमोह विधायक अजय टंडन, तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा और हजारों की तादाद में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि यह यात्रा शांति और प्यार की है और सौहार्द का संदेश लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। जी भैया, आज हम सबके नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं उसके समर्थन में आज हमने पाटन विधानसभा की प्रत्येक गाँव में जाने का, इस यात्रा को ले जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज मानी तनखा जी, महापौर जी, विधायक संजू शर्मा जी, टंडन जी एवं हमारे जिले के दोनों प्रभारी यहाँ उपस्थित हुए। आज से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई है। कल से पूरे क्षेत्र में हम लोग का भ्रमण होगा। जिस गांव में हम लोग रात में रुकेंगे वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान अपना गांधी चौपाल का आयोजन किया जाएगा और दूसरे दिन जिस उस गांव से जब निकलेंगे तो गणेश जी की आरती और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग प्यार का वातावरण पूरे अपनी विधानसभा में देना चाहते हैं। सब लोग प्यार से रहें, अच्छे से रहें, अच्छा वातावरण रहे, जो हमारे नेता का और हमारे देश का काम है और सबकी जो समस्या है वो भी सुनेंगे। किस किसान किस तरह से पीड़ित हैं, अभी उनको खाद नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रहा, परेशान है, लाइन लगी हुई है लेकिन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, आज हर तरह से लोग परेशान हैं। उस सभी चीज़ों को, समस्याओं को लेते हुए हम जब ये समापन करेंगे तो एक विशाल आंदोलन हम लोग इस बात को रखें, क्योंकि गांधी जी की यही नीति प्यार का वातावरण लेते हुए और समस्या को सुनते हुए और उस समस्या को जनता के बीच, जो जनता के बीच समस्या रहती है, जो किसानों की भी समस्या है, उसको उठाकर उनकी समस्या को निराकरण करें, ऐसी हम लोग की सोच है। ये क्या रूट रहेगा, कहाँ से? अभी हम लोगों का ये पूरा विधानसभा, अभी हमारे 20 दिन लगभग मझौली ब्लॉक में रहेंगे, 10 दिन हमारे पौड़ा ब्लॉक का, 10 दिन मझौली ब्लॉक का, फिर 10 दिन हम लोग कटंगी ब्लॉक में और 10 दिन हमारे अपने पाटन ब्लॉक में और 3 नगर परिषद है, 3 दिन हम लोग नगर परिषद। लगभग ये मान के चलते 700 से 750 किलोमीटर। अत्यंत खुशी का, हर्ष का विषय है कि पंडित नीलेश अवस्थी जी के नेतृत्व में एक तो गांधी चौपाल हुई और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की है उसके समर्थन में जो हम लोग पूरे देश में यात्राएं निकाल रहे हैं वो यात्रा इनकी विधानसभा क्षेत्र पूर्व विधानसभा क्षेत्र मझौली कटंगी वहाँ निकल रही है। गाँव-गाँव जाएंगे, 45 दिन तक लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या समझेंगे और सबसे बड़ी चीज़ प्यार फैलाएं, प्यार का एक वातावरण बनाएंगे, नफरत को दूर करेंगे। हमको, हम नहीं चाहते किसी के बीच में झगड़ा हो, हम नहीं चाहते किसी के बीच में नफरत हो, हम तो चाहते हैं भय का वातावरण खत्म किया जाए, हम तो चाहते हैं कानून का वातावरण आए, हम तो चाहते हैं संविधान का वातावरण आए। और ये जो देश में जो कुछ भ्रांतियाँ आ गई हैं, जो प्रकार जिस प्रकार से देश को चलाया जा रहा है उससे अब हम चाहते हैं कि मुक्ति मिले और देश में एक संवैधानिक वातावरण वापस है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।